ये देखें कितनी अच्छी शादी। हे गाइस, कैसे हो आप सब लोग? और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल जट स्काउट। सो गाइस, पिछले दिनों में वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग ने फैक्ट्री में चिचकर वगैरह बनाए थे, तो आज हम लोग फैक्ट्री में कीमा मशीन रेडी कर रहे हैं। तो कीमा मशीन को निकल कर रहे हैं, तो आपको वो भी दिखाता हूँ मैं किस तरह उसको निकल करते हैं, किस तरह हम उसको रेडी करते हैं, पॉलिश करके फिर उसको निकल करते हैं, तो आपको मैं वो भी दिखाता हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सो गाइस, ये वो कीमा मशीन है जिनको अभी पॉलिश करेंगे। अभी इनको सान वगैरह लगाई है, तो ये दूसरी फैक्ट्री से आई हैं। वो ढलाई खाता है, आपको मैं उसका भी विज़िट करवाऊँगा किसी वीडियो में। तो उधर वो हैंडल पड़े हैं, वो पॉलिश हो चुके हैं, अभी ये नहीं पॉलिश हुए हैं, उधर पॉलिश हो रहा है, मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। तो ये पॉलिश हो गए, इधर हमारे पास आ चुकी है, ये भी पॉलिश हुई पड़ी है, और इधर ये नाम लिखा हुआ है हमारे चिप्स कटर का, चिप्स कटर और कीमा मशीन और जो साग कटर है हमारा, उसके ऊपर सब के ऊपर ही प्राइम लिखते हैं हमारा लोगो, नेम ही प्राइम है, और ए पी इधर ए पी लिखा हुआ है। और ये पॉलिश हो चुकी है, अब इनको निकल पे लेके जाएंगे, अभी इनको निकल पे लेके जाएंगे, तो इनको लेके चलते हैं। अब मैं उठाता हूँ इनको, तो इधर रखेंगे अभी इनको। अभी हम लोग इसको पॉलिश के बाद इधर ले आए हैं, इधर इसके अंदर कॉपर की तार लगाएंगे इसके बीच में से, तो एक मरतबा में छः मशीनें बांधी जाती हैं ड्राइव में। ये कॉपर की तार हम लोग क्यों यूज़ कर रहे हैं आपको बाद में बताएंगे। इसी तरह सब में से कॉपर की तार इसी तरह गुजारेंगे। अभी इनको कॉपर की तार बांध दी है, अभी हम इसको लेके जाएंगे और मिल जाएंगे पानी में, तो बारी बारी करके सबको उधर लेके चलते हैं। ये जो मंजाई का पानी है, ये इसलिए हम इसको मंजाई करते हैं क्योंकि इसकी जो भी मैल है ना, तो जो गंद वगैरह
जो हमसे नहीं साफ हुआ वो ये चीज कर देगा, साफ कर देगा, तो सारा गंद वगैरह छोड़ देगा। अभी हम आपको मंजाई करके दिखाता हूँ। तो अभी इसको हमने मंजाई पे लगा दिया है, इसको इधर जुड़कर शुरू करो तुम। तो अभी ये देखें किस तरह उसकी मैल उतर रही है। तो ये जो पानी है मंजाई का, इसके अंदर काफी सारा केमिकल डाले हुए हैं। ये जो दोनों तारे हैं ये अर्थ की हैं और ये करंट की हैं, तो इसकी वजह से ये सारा गंद उतर जाता है इसका। तो ये कॉपर की तार हम लोग इसलिए यूज कर रहे हैं, इसके साथ करंट पास करना होता है तो इसके साथ जल्दी करंट पास हो जाता है। तो ये तो सारा करंट है ये सब 12 वोल्ट का है, तो इसलिए ये कुछ नहीं देगा। जो है वो ये डीसी करंट है, तो ये कुछ भी नहीं देगा हाथों को और किसी लगेगा भी नहीं किसी को। अभी इसको मंजाई से उतारने का टाइम हो चुका है, तकरीबन 2 से 3 मिनट करते हैं अभी इसको उतारेंगे। अभी इसको इसके अंदर तदाब में रखेंगे। मशीनों को ऐसे ही किया जाए, अभी सब मशीनों को ऐसे ही किया जाएगा। तो अभी सभी मशीनों को इस सादा पानी के अंदर रख दिया गया है, इधर भी और इधर भी। तो अभी इसको खोलेंगे, ये जो पहले बांधी हुई है इसके अंदर इनको खोल दिया जाएगा। अभी इस टब में से निकाल के इधर बांधी जा रही है मशीनें। तो इधर फरहान भाई बांधते हैं, इधर मेरा कोई काम नहीं होता। और ये फरहान भाई लोग बांधते हैं इसको, मेरा काम दूसरी साइड पे होता है, ये मंजाई करना है। और साथ इसको क्रोम भी किया जाता है। मैं वाह आपको वो भी बताता हूँ कि वो इसको क्यों किया जाता है। इसी तरह सबको बांध दिया जाएगा। सिर्फ इससे 6 मशीनें बांधी जाती हैं, तो 6 की 6 मशीनें बांधी गई हैं। तो अभी इनको 10 मिनट लगेंगे तो फिर ये ब्राइड हो जाएंगी, तो फिर इनको आगे क्रोम पे लेके जाएंगे। तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, वो काम मेरा है। तो ये फरहान भाई लोगों का काम उन्होंने कंप्लीट कर दिया, अब आगे मेरी बारी है, मैं इनको क्रोम करूंगा। तो वो मैं आपको दिखाऊंगा वो क्यों करते हैं, तो वो मैं करूंगा। अभी सभी मशीनों को ब्राइड हो चुका है, अभी इनको बारी बारी खोलेंगे और क्रोम पे लेके चलेंगे। सभी मशीनों को ब्राइड हो चुका है, अभी अच्छी तरीके से हो चुका है, तो इनको अब क्रोम पे लेके चलते हैं। अभी इसको खोल रहे हैं फरहान भाई, आप देख सकते हैं कितना अच्छा ब्राइड हुआ है। ये देखें कितना अच्छा ब्राइड हुआ है। ये देखें कितनी अच्छी शाइन दे रहा है। अभी ये क्रोम पे आ चुकी है, ये क्रोम वाला सेटअप है सारा। तो इसी तरह उधर से बारी बारी लाई जाएंगी, तो इधर क्रोम पे लाएंगे। तो ये दूसरी मशीन भी इधर क्रोम पे लिए आ चुकी है। अभी हम इसको बोरे में रखेंगे, वो और भी की हुई है, वो भी काफी ज्यादा प्यारी लग रही है। इधर प्राइम लिखा हुआ था, इधर ए भी लिखा हुआ है। तो गाइस अब ये मशीनें रेडी हो चुकी हैं, तो अभी इनको निकल कर दिया गया है और भूरे में से भी बाहर निकाल लिया है। तो अभी इनको साफ करेंगे
और फिर इनको रेडी करेंगे, फिर इनकी पैकिंग होगी और आगे जाने के लिए, ये आगे रवाना होने के लिए फिर रेडी हो जाएंगी। तो वीडियो आप लोगों को कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा, निकल चेक करें कितना अच्छा लगा हुआ है। गाइस अभी जो इनके ऊपर बुरा था वो साफ किया जा रहा है, साफ करने के बाद देखें कितनी अच्छी लगती है, ये पूरे प्रॉपर अच्छे तरीके के साथ बुरे को साफ करना है ऊपर से, पूरा साफ करने के बाद और ज्यादा खूबसूरत लगती है ये। ऊपर से पूरा साफ किया जाएगा और फिर इनको आगे रेडी किया जाएगा। तो गाइस अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं, तो जो कीमा मशीन वगैरह हम लोग निकल करके आए हैं उनको सुबह जाके रेडी करेंगे, तो सारी पैकिंग वैकिंग करेंगे, तो वो वीडियो मैं इंशाल्लाह आपको अगली वीडियो में नेक्स्ट व्लॉग में जरूर दिखाऊंगा। तो वो वीडियो देखनी है तो जल्दी जल्दी जाए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि जब मैं वो वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल सके। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे जरूर याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय, कीप स्पोर्ट एंड कीप लविंग।